संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुरुओं के गाने में वर्धमान महान जिन चलें हमारे ध्यान। एक सौ 50-51 गाथाएँ हो गई थी, 52-53 भी हो गई थी, है ना। और 54वीं गाथा चलेगी, 154 वाली पढ़ो। तम सभावणिबद्धम दौव सहावम तिहासमखादम जानदि जो सवियप्पम रामोहदिशो अर्णदवीयं मे त्रिधा निज अस्तित्व को जाने जो द्रव्य स्वभाव से वह हो न मोहित जान लो अन्य अन्य द्रव्यों में कभी। ये बता रहे कि प्रत्येक द्रव्य जो है वो तीन प्रकार के स्वरूपास्तित्व से संपन्न है। आत्मा का स्वरूपास्तित्व आत्मा के द्रव्य गुण पर्याय में है और आत्मा के उत्पाद व ध्रुव में है। वो शरीर का स्वरूपास्तित्व यानी पुद्गल का स्वरूपास्तित्व, प्राणों का स्वरूपास्तित्व पुद्गल के द्रव्य गुण पर्याय में है और पुद्गल के उत्पाद व ध्रुव में है। इन दोनों में स्पष्ट रूप से भिन्नता है। ये बात भेद विज्ञान के लिए स्वरूपास्तित्व का जानना अत्यंत आवश्यक है। टीका पढ़ते हैं अब इसकी। टीका में आता रम्यचंद्र ने सबको व्याख्यायित किया, व्याख्या की है सबकी। द्रव्य को निश्चित करने वाला स्वलक्षणभूत स्वरूपास्तित्व। स्वरूपास्तित्व क्या है कि द्रव्य का द्रव्यपना निश्चित करता है कि ये द्रव्य है। ये बात उसके स्वरूपास्तित्व से तय होती है। ऐसा स्वरूपास्तित्व ही वास्तव में द्रव्य का स्वभाव है। देखो अब अपन कहेंगे द्रव्य और जीव द्रव्य, तो द्रव्य का स्वभाव स्वरूपास्तित्व है और जीव का स्वभाव चेतना रूप है। चेतना रूप उसका अस्तित्व है। उसमें जो उत्पाद व ध्रुव और उसकी जो गुण पर द्रव्य गुण पर्याय हैं वे चेतना रूप हैं। माने हरेक का स्वरूप अस्तित्व अलग अलग है। समय सार के मंगलाचरण में ही ये बात आती है, स्वभावाय चित स्वभावाय और सर्वभावान्तरच्छदे। आत्मा है जो है ना, भावाय माने है, वो स्वरूपास्तित्व को बताता है और चित स्वभावाय उसके चेतनत्व को, माने चेतना लक्षण जीव का है ना, तो उसके जीवत्व को बताता है। और स्वानुभूत्या चकास्ते अपनी अनुभूति में प्रकाशित होता है, माने वो प्रणमन को बताता है। तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों चीजें हो गई। पहले मुख्य रूप से अस्तित्व है। अस्तित्व नहीं हो माने तो उसके फिर वो चित स्वभाव है कि जड़ स्वभाव है, इसका इन प्रश्नों का करने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव से त्रियात्मक भेद भूमिका में आरूढ़ द्रव्य स्वभाव ज्ञात होता हुआ पर द्रव्य के प्रति मोह को दूर करके स्वपर के विभाग का हेतु होता है। इसलिए स्वरूपास्तित्व ही स्वपर के विभाग की सिद्धि के लिए पद पद पर लक्ष्य में लेना चाहिए। वो कहते हैं कि ये भगवान आत्मा है, इसका स्वरूपास्तित्व अलग है और अन्य द्रव्यों का स्वरूपास्तित्व अलग है। तो ये भेद विज्ञान का मूल साधन स्वरूपास्तित्व बनता है।
इसलिए हमको हर एक वस्तु का स्वरूपास्तित्व पर ध्यान देना चाहिए, है ना, पग पग पर लक्ष्य में लेना चाहिए। तो अपने लोग में है ना कहावर, भाई इस चीज की आवश्यकता तो हमें कदम कदम पर पड़ती है, कोई चीज होती ना, और पग पग पर माने पर्याय पर्याय में, कदम कदम माने पर्याय पर्याय में, हर पर्याय में उसका अस्तित्व तो है ही ना। जब द्रव्य में अस्तित्व है, गुण में अस्तित्व है, पर्याय में अस्तित्व है। अब इसी बात को विशेष स्पष्ट करते हैं, न्याय शास्त्र में कुछ शब्द हैं जैसे ननु तथा ही, जिनके स्पष्ट विशिष्ट अर्थ होते हैं, और हर जगह ननु, जब कोई प्रश्न खड़ा करते हैं तो ननु से करते हैं, जब उसी बात को और अधिक स्पष्ट करना हो तो तथा ही शब्द से करते हैं। तथा ही किया है तो ऊपर बात जो संक्षेप में कही गई है उसको ही अधिक स्पष्ट करेंगे। हम तो अधिक स्पष्ट उसको मानते हैं कि जैसे हमने उदाहरण दे दिया, ये कहानी सुना दी, और हम समझते हैं हमने अधिक स्पष्ट कर दिया। उसी बात को तर्क और युक्ति से सिद्ध करना, और वो आसानी से पाठक श्रोता के गले उतर जाए, उसको वास्तव में तथा ही के अंतर्गत लेते हैं। तथा ही के अंतर्गत माने कोई गप लगाते रहना, ऐसा अर्थ नहीं है उसका। जे अपना पहले आ गया है, चेतनत्व के अन्वय रूप द्रव्य आया ना, कौन सी गाथा में बताया था ना कल, अन्वय से द्रव्य, अन्वय का विशेषण गुण और अन्वय का व्यतिरिक पर्याय। अब इसमें जीव द्रव्य की बात कर रहे हैं, जीव द्रव्य के गुण की बात कर रहे हैं, और जीव द्रव्य की पर्याय की बात कर रहे हैं। तो उन्होंने कहे चेतनत्व के अन्वय रूप, वहां सिर्फ अन्वय रूप कहा था, समझे ना, यहां कह रहे चेतनत्व के अन्वय रूप। क्यों? क्योंकि अभी जिससे भेद विज्ञान कराना है उस अचेतन से वो भी ऐसे ही कहेंगे, अचेतनत्व के अन्वय रूप, अचेतनत्व के विशेषण रूप, अचेतनत्व के व्यतिरेक रूप। अन्वय और व्यतिरेक जो यहाँ आते हैं शब्द, वैसे तो तुम न्याय शास्त्र के विद्यार्थी हो, अभी अन्वय व्यतिरेक नहीं समझे तो फिर कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। जो न्याय शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है हेतु, जो तुम्हारे तीसरे अध्याय में है ना तत्वाचार, उसके परीक्षा मुख की, और हेतुओं के जो दोष होते हैं, क्या उन्हें हेतुओं में क्या कमी है, और निर्दोषपना भी उनमें होता है, तो क्या क्या उसकी विशेषताएं होना चाहिए, वो हमें गहराई से समझना चाहिए। अभी जो हम अक्टूबर का शिविर लगाने वाले हैं उसमें वो तीसरा अध्याय, खासकर वो अनुमान में हेतु का स्वरूप समझाने का ही हमारा उद्देश्य है। उसे छोड़ देने का नहीं, कोर्स में छूटा भी हो तो भी हमें वो समझाना है। आप जानते हैं विद्यानंद जी आचार्य हुए ना, कौन विद्यानंद जी, अर्थशास्त्री बनाने वाले, श्लोक वार्तिक लिखने वाले महान आचार्य हुए हैं, उनकी बात कर रहा हूं मैं। न्याय शास्त्र के दिग्गज आचार्य हैं, सबसे बड़े बड़े, सबसे बड़े इस अर्थ में के समंत भद्र उसकी नींव डालने वाले हैं, अकलंक उसको प्रतिष्ठा प्राप्त कराने वाले हैं, और विद्यानंद जी उसे टॉप पर पहुंचाने वाले हैं। तीन हैं न्याय शास्त्र में, तीन आचार्य प्रमुख हैं, समंत भद्र हैं और अकलंक, और उसके बाद में विद्यानंद। तो उन विद्यानंद जी की बात बता रहा था ना मैं आपको, कि वो अजैन थे, वेदांती थे, और वो एक दफे एक जैन मंदिर के पीछे से निकले। जैन मंदिर के अंदर एक क्षुल्लक थे,
शायद पाशकीर्ति नाम था, जो भी नाम हो, वो देवागम स्तोत्र का पाठ कर रहे थे। अपन कहते हैं भक्तांबर का पाठ करते हैं अपन, तो देवागम स्तोत्र का पाठ करते थे। तो पीछे खड़े खड़े उन्होंने ये सुना, तो सुनकर उनको सब चीज अत्यंत स्पष्ट हो गई, जैन धर्म की बात सब समझ में आ गई। एक बात समझ में नहीं आई, हेतु। हेतु किसे कहते हैं जैनी, अनुमान किसे कहते हैं, हेतु की सिद्धि कैसे करते हैं, ये बात उनके हिसाब में किताब में नहीं बैठी। तो वो मंदिर के अंदर आए और उन्होंने छुल्लक जी से कहा, कहे भाई ये क्या है, तुम क्या पढ़ रहे हो, इसका अर्थ तुम हमें बता सकते हो। साहब मैं तो पाठ करने वाला हूँ, पाठ रोजीना कर लेता हूँ, अर्थ मर्थ मैं नहीं बता सकता। अपने पाठ करने वाले ज़्यादातर ऐसे ही होते हैं ना, जिन्हें अर्थ आता है पूरा अच्छी तरह से वे पाठ नहीं करते, जिन्हें नहीं आता है वे पाठ करते हैं, उन्हें मैं नहीं बता सकता। तो उनने कहा कि एक बार मुझे द्वारा सुना सकते हो, क्योंकि मैंने बाहर से सुना तो कुछ बात अस्पष्ट रह गई हो, नहीं सुन पाया हूँ, तो मैं शांति से सुनना चाहता हूँ। तो छुल्लक जी ने उनको पूरा वो सुना दिया। अब उनको मैंने कहा ना कि वो स्पष्ट सब कुछ हो गया, लेकिन सिर्फ अनुमान की क्या परिभाषा है ये उनके ख्याल में नहीं आई। सोच रहे थे, सोचते सोचते उन्हें नींद आ गई रात्रि में, और वे सो गए तो उन्हें एक सपना आया कि तुम भगवान पार्श्वनाथ को मंदिर में जाना, वहाँ दर्शन करना और उनके फण पर देखना, वहाँ इसका स्वरूप लिखा है, ऐसा कुछ आता है। तो वहाँ वे गए तो वहाँ लिखा था, अन्यथा अनुपन्नत्वम यत्र किम तत्र पंच भी, अन्यथा अनुपन्नत्वम यत्र किम तत्र एण किम। यदि अन्यथा अनुत्पत्ति हुए तो तीन हो चाहे पांच हो, अवयव होते हैं ना हनुमान के, तीन तीन अवयव होते हैं, कौन कौन जानते हो, साध्य हेतु और फिर पांच भी, निगमन और वो जोड़ दो तो पांच भी होते हैं, पक्ष साध्य हेतु और वो निगमन उपनय, पांच हेतु। तो वो कहते हैं क्या, हेतु के जो लक्षण के रूप में तीन अंग कहे जाते हैं, पक्ष धर्मत्व सपक्षे सत्व विपक्षात व्यावृत्ति। हाँ, वही है ना, पक्ष धर्मत्व सपक्षे सत्व विपक्षात व्यावृत्ति। तो वो कहते हैं कि उन्होंने उससे फिर अनुमान का सब समझ लिया। तो जो जितना हेतुवाद है, साध में इतना विस्तार नहीं है, पक्ष में भी इतना विस्तार नहीं है, लेकिन हेतु और हेतुओं के दोष मेरे ख्याल से 22 प्रकार के हैं, कितने हैं, जो भी हैं उस पर जिसकी मास्टरी है वो न्याय शास्त्र का मास्टर हो जाएगा है? और वो ऐसे ही छूट जाता है। इसलिए हमने ये सोचा है कि आपकी शिविर में वो हिस्सा परीक्षा मुख का सबको गहराई से पढ़ाएं, और उसको सबको कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन थोड़ी मेहनत तो करनी पड़े, समझना पड़े तो आएगा समझ में। तो ये जो तथाई में हेतु से सिद्ध करते हैं, देखो चेतनत्व के अन्वय रूप द्रव्य, ये अन्वय और वितरेक की बात मैं आपसे कर रहा था। तो अन्वय और वितरेक वो हेतुवाद का मुख है, व्याप्ति ज्ञान बोलते हैं ना, अन्वय व्याप्ति और वितरेक व्याप्ति, होने पर होना बताना अन्वय और नहीं होने पर नहीं होना बताना वितरिक। लेकिन किसका साथ, दो हेतु के साथ है वो। अब यहाँ पर तो अन्वय सो द्रव्य, तो है ये अन्वय माने है उसी कंटिन्यूटी, ये अन्वय है।
तो द्रव्य अनादि काल से तीन काल में हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, है और है, इसका अर्थ है था, है और रहेगा। इसको क्या बोलते हैं, है और है, तीन दफे बोलते ना, उसका मतलब है त्रिकाल में है, पहले था, आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। ऐसे अपन कहते हैं ना कि स्वामी जी सम्यक दृष्टि थे और थे, समझ, तीन दफे बोला ना, तो उसका मतलब तीन काल को समझ लेना है ना। तो मतलब हम जो कह रहे हैं ये बात बहुत मजबूत बात है। तो वो अनवय माने है और व्यतिरेक माने नहीं है क्या, कि पूर्व पर्याय में उत्तर पर्याय नहीं है, जो प्रति समय नहीं है हो है ना, है और अगले ही समय नहीं रहेगी, वो दूसरी आएगी फिर अगले ही समय वो नहीं रहेगी, फिर अगले ही समय वो नहीं रहेगी। तो ये जो व्यतिरेकपना है ये पर्याय का लक्षण है, और अन्वयपना है वो द्रव्य का लक्षण है, और अन्वय के जो विशेषण हैं, क्योंकि अन्वय अनादि अनंत है तो गुण भी अनादि अनंत होते हैं, वे सब अन्वय के विशेषण हैं। ये माध्यम चेतनत्व के अन्वय रूप द्रव्य, चेतना के विशेषत्व रूप गुण और चेतनत्व के वितरूप रूप पर्याय, यह त्रियात्मक और पूर्व और उत्तर का वितरेक को स्पर्श करने वाले, और पूर्व और उत्तर मतलब वितरेक में पहला जो पूर्व में था वो उत्तर में नहीं है, तो वो वितरेक को स्पर्श करने वाले चेतनत्व रूप द्रव्य और चेतन के उत्तर और पूर्व में वितरेक रूप उत्पाद और व्यय, यह त्रियात्मक स्वरूपास्तित्व वाला मैं, ये अपने मैं के विशेषण है सब, मैं कैसा हूँ, उत्पाद में ध्रुव में हूँ और द्रिवगुण पर्याय में हूँ, उसको इस न्याय की भाषा में यहाँ उनने बताया है। हरेक की परिभाषा भी बता दी, ऐसा बाला मैं अन्य हूँ माने जुदा हूँ, और अचेतनत्व आप ये पूरे, और अचेतनत्व के अन्वय रूप द्रव्य, अचेतना के विशेषणत्व रूप गुण और अचेतनत्व के व्यतिरेक रूप पर्याय, बिल्कुल हूँ बहु सिर्फ चेतनत्व की जगह अचेतनत्व करते जाओ, और पूरी भाषा वैसी की वैसी, यह त्रियात्मकत्व तथा पूर्व और उत्तर व्यतिरेक को स्पर्श करने वाले अचेतनत्व रूप द्रव्य और अचेतनत्व के उत्तर तथा पूर्व में व्यतिरेक रूप उत्पाद और व्यय, यह त्रियात्मक स्वरूपास्तित्व स्वभावी अन्य अचेतन पदार्थ अन्य है, इसलिए मुझे मोह नहीं है, स्वपर का विभाग है, मैं सौर पर के विभाग को जानता हूँ, और इसलिए मुझे इसमें दस प्राणों में इस देह में कोई मेरा अपनापन नहीं है। मोह शब्द को हमें ज़्यादा अर्थ में लोग समझते हैं, जो राग होता है ना उसको मोह समझते हैं, लेकिन वो हर जगह नहीं होता है। इस अध्यात्म में तो 99% जगह तो श्रद्धा के अर्थ में होता है, क्योंकि वो चारित्र मोह वाले मोह के लिए तो राग द्वेष अलग शब्द हैं, 25 कषायें अलग बताई गई हैं, ख्याल में है ना। तो मोह नहीं है माने अपनापन नहीं है, मेरा इसमें अपनापन नहीं है। इस बात को बहुत ज़्यादा समझना जरूरी है कि जब कहते अपना नहीं है, और हम बहुत राग ज्ञानियों को भी उसमें राग करते देखते हैं, जैसे रामचंद्र जी जैसे ज्ञानी धर्मात्मा और लक्ष्मण को 6 महीना कंधे पर रखे रहे, क्यों, तो वो चारित्र मोह का ही दोस्त था ना, श्रद्धा का दोस्त तो नहीं था, तो वो श्रद्धा इतनी मजबूत होने पर भी कि अपनी देह भी अपनी नहीं है, और वहाँ वो भाई के प्रति इतना मोह, और श्रद्धा ऐसी कि एक रंच मात्र भी एक कोई अपना नहीं है इनमें, ऐसी रहती है और चारित्र में ऐसा हो जाता है। तो इसलिए जब हम मोह कहते हैं मुझे कोई मोह नहीं है, जब ऐसी बात ज्ञानी जन करते हैं तो कहते इतना तो मोह दिख रहा है हमको, कोई मुनिराज करें तो आपको ये दिखेगा इनको मोह नहीं है, लेकिन जब
गृहस्थ विद्वान ऐसा समझाते हैं तो कहते कैसे नहीं है मोह, कितना अधिक मोह है ना, हम तो देखते हैं दिन रात। ये स्वपर के विभाग के हेतु के लिए ये बात समझा रहे, पहले से कहते आ रहे ना कि हमको इस देह और आत्मा ये जुदे जुदे हैं, ये समझाना है। अब ये अपने को तो कितनी सरल लगती है, क्योंकि अपने तो बहुत घुटाई कर ली है, और अपने सब महिलाएं पुरुष जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, सब भी कहते हैं कि शरीर अलग है और आत्मा अलग है ना। अब इसको आचार्य इस बात को भी न्याय की भाषा में व्यक्त करते हैं, उन्हें सिद्ध करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि विवेचन तो सर्वांग होना चाहिए ना। हमारे विद्वानों को ऐसा लगता है कि अब हम ये समझाएं कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, ये प्रवचनसार जैसे महान ग्रंथ में और ज्ञान के विभागाधिकार में यही समझा रहे ना। और ज्यादातर एकत्व ममत्व इसी असमान जाति द्रुप पर्याय में ही देखने में आता है, केवल ज्ञान को अपना कौन माने बैठा है। अभी सबसे पूछो तो कहते केवल ज्ञान है आपको, आपका है केवल ज्ञान, नहीं नहीं, नहीं। तो सब कोई नहीं मानता कि मेरा है, उसमें ममत्व कौन कर रहा है ही नहीं मुझे। यद्यपि वो भी पर्याय है, और जो जिस प्रकरण में समझाया जाता है वो प्रकरण ये है कि जिसमें आपको अपनापन स्थापित करना है, वो जो आत्मा है उस आत्मा में ये पर्याय नहीं है। ये पर्याय नहीं है माने इस पर्याय को शामिल करके वो आत्मा माने तो अनादि से तो केवल ज्ञान है ही नहीं, तो अनादि से आत्मा ही नहीं है ऐसा हो जाएगा। यदि केवल ज्ञान होने से आत्मा पूरा होता हो, नहीं तो वो अधूरा आत्मा रह जाए, तो अनादि से अपन अधूरे आत्मा है। कोई द्रव्य कभी अधूरा तो होता ही नहीं, वो तो परिपूर्ण है ना। तो वो तो जिसे तुझे अपनापन स्थापित करना है उसकी बात है। ये संसार की पर्यायें जो अभी हैं, कहते केवल ज्ञान तो है नहीं इसलिए हम उसे अपनापन नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये तो हैं, ये हैं तो दुखदाई हैं, इनमें अपनापन करके क्या करोगे, और जाने वाली हैं, रहने वाली नहीं है। तो अपन जाने वाले थोड़ी हैं, अपना अपने आत्मा पर अपन को ही विश्वास है ना। देखो इस भव का तो हरेक को है ही, इस भव में भी पर्यायें तो बदलती हैं ना, जब हम पैदा हुए थे तब से लेकर और अभी तक और अब के बाद में जब तक मरेंगे नहीं तब तक कितनी पर्यायें बदल जाएंगी। तो पुराना तो पन जो हमारा था वो तो गया ना, किसी को उससे बहुत राग होता है क्योंकि उसका स्वास्थ्य उस वक्त समझ लो बहुत बढ़िया था, बहुत पहलवानी करता था, जीतता था, तो बिल्कुल बनियान खोल करके भी फोटो खिंचाता था, इसलिए क्योंकि बहुत हट्टा कट्टा पहलवान जैसा तंदुरुस्त है ना, तो उससे हमारा राग है और वो चली गई, अब बुढ़ापा आ गया, अब सब पहलवानों के घुटनों में बहुत दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं, सब लंगड़े एड़े टेढ़े पैर हो जाते हैं। ये पहलवान आपको ऐसे ऐसे करते चलते मिलेंगे। अपनी सभा में भी एक पहलवान आया करते थे, वो भी पादनी जी ने भी थोड़ी बहुत पहलवानी की थी तो उनके भी पैर ऐसे हो गए थे, तो उन्हें पूनमचंद लोहारिया थे ना, उनने भी बहुत दंड बैठकें लगाई थी तो उनके भी पैर ऐसे हो गए थे। सब पहलवानों के हो जाते हैं, ये बुढ़ापे में बहुत तकलीफ भोगते हैं। तो आपका वो इस भव में भी पर्याय बदल तो गई ना, इस देह का संयोग, ये कहते हो अपने में वो ही देह है, लेकिन वैज्ञानिकों से पूछो तो वो कहते 3 साल में अपने सारे शरीर के परमाणु बदल जाते हैं, पुराने चले जाते हैं और नए आ जाते हैं, अब बस आकर वैसे के वैसे सेट हो जाते हैं
हमें शक्ल भी वैसी लगती है और हमको ऐसा लगता है कि वो ही हैं, लेकिन पूरे बदल जाते हैं 3 साल के अंदर। और इसका अनुभव से प्रमाण ये है कि जो लोग जयपुर में रहते हैं ना, तो वे कभी कभी जब बंबई जाते हैं तो बंबई में उनको शूट नहीं करता, जुखाम जुखाम बना रहता है निरंतर, मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ बनी रहती है। व्यापार तो बंबई में है तो वहीं बस जाते हैं, तो फिर जब जयपुर आते हैं वहाँ से लौट कर तो जयपुर में आते ही जुखाम हो जाता है, पहले नहीं होता था। क्यों, क्या हुआ? वो 3 साल में ये सारे परमाणु बदले, तो बम्बई वाले परमाणु, समुद्र की हवा वाले परमाणु सब हो गए सब, और यहाँ वाले सब खत्म हो गए। अब यहाँ वाले परमाणु उनसे मिलते हैं तो वे रिएक्शन करते हैं, और यहाँ वाले परमाणु जब हमारे शरीर में हैं तो बम्बई वाले परमाणु परेशानी करते हैं। और हम जैसे लोगों की बहुत दुर्दशा है, क्योंकि कहीं एक जगह इकट्ठे रहते ही नहीं, तो वे बदलेंगे तो कुछ यहाँ के कुछ वहाँ के कुछ वहाँ के कुछ वहाँ के, तो ऐसा बहुत मिक्सचर हो जाता है। समझिए, मैंने हम कहीं के नहीं रहते पूरी तरह से, एक जगह तो ऐसी हो कि जहाँ हम रहें तो पूरी तरह स्वस्थ रहेंगे क्या। तो ये शरीर भी पूरा बदल गया, लेकिन वो तो मेरे शरीर की बात जाने दो, पूरी ये पर्याय बदलेगी जब पूरा मनुष्य देह यहीं पड़ी रह जाएगी। और इसका जो है ना वो अनुभव व्यतिरेक सब पूरा क्या बोल स्वरूपास्तित्व यहीं खत्म हो जाएगा जो भी हो जाएगा, और अपना आत्मा का स्वरूपास्तित्व पूरा का पूरा दूसरे पर्याय में चला जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा ना अलग अलग। ये स्पष्ट दिखाई, अभी ये कह रहा हूँ मैं कि अपन सब जैनियों को इसका पक्का भरोसा है ना, किसी को भी रंजमा शंका है क्या कि ये जो देह है ये मरने के बाद इसका अंश भी मेरे साथ नहीं रहेगा। ओ दारिक कारवान छोड़ दो, समझे ना, नहीं रहेगा वो, पूरा चला जाएगा और मैं अलग। अब मैं जो बचा अस्तित्व मेरा, दोनों के मिले हुए को हम अस्तित्व माने, तो अब हमारा जो अस्तित्व है निर्गुण पर्यायमय उत्पाद वय ध्रुवमय चेतन के साथ जाएगा कि उस जड़ के साथ रहेगा, चेतन के साथ जाएगा ना, इस पर भी हमें पक्का भरोसा है। ऐसा नहीं कि तुमने शास्त्री किया है तो तुम्हें ही हो, लेकिन बच्चा बच्चा हर महिला अपने समझ लो समाज में ही इस ऐसी धारणा बनी हुई है, माने इतना भेद विज्ञान तो हमें सहज ही है। अब क्या कमी है फिर, तो जैसा वो 18वीं गाथा में लिखा ना, अनुभूति स्वरूप भगवान आत्मा प्रत्येक के अनुभव में आ रहा है, पर ए मैं हूं ऐसा भेद विज्ञान उदित नहीं होता, इसलिए वो अज्ञानी रहता है। ऐसा होने पर भी बिल्कुल जुदे हो जाएंगे, फिर बाद में मेरा कुछ नहीं चलेगा है ना, ऐसा पक्का पता होने पर भी अभी तो मेरा है ना, अभी तो इसमें मेरा चलता है, अभी तो मेरा से चलना चाहिए, तो इसमें फिर भी अंदर में श्रद्धा गुण में भी वो अपनापन इसमें बना रहता है। ठीक है, अभी चारित्र गुण की बात नहीं है, माने इतना भेद विज्ञान सहज हमारे माँ बाप की कृपा से, अथवा समझ लो हम जिन संस्कारों में पैदा हुए हैं उन संस्कारों की वजह से हमें ऐसे विकल्प में भी शंका नहीं होती कि शरीरों में एक हूँ। अपने छेड़ाला की कृपा से बहुत लोगों को बहुत सहज तत्व ज्ञान के मुख्य मुद्दे हमें ख्याल में रहते हैं, हमारी माताओं बहनों को सबको। कितनी छोटी सी किताब, आपको जो इतनी बड़ी छेड़ाला दिखती है वो इतनी बड़ी नहीं है, कितने मुश्किल से 10 पेज की नहीं है, कुछ छंद है वही तो छेड़ाला है ना। अब उन छंदों को छापो आप तो कोई ढाल 1 पेज में कोई ढाल 2 पेज में छपेगी, बस
जो ताल लेन के छंद हैं, कोई 15-16 छंद हैं हर एक ढाल में लगभग, एक कोई 4 लेन के हैं, कोई 2 लेन के हैं, तो इतने से छंद हैं। और अर्थ की कहाँ जरूरत है, अपने आप में इतना परिपूर्ण है कि हर बच्चे बच्चे को उसका अर्थ आता है। भले ही भाषा 250 वर्ष पुरानी हो, लेकिन उस भाषा से हमारी बहनें भाई सब बच्चे बच्चे बहुत भली भांति परिचित हो गए हैं और उसका अर्थ उनकी समझ में बहुत आता रहता है। तो ऐसे बहुत तत्व ज्ञान हमको बहुत संस्कार से ही पैदा मिल गया है। जो लोग छड़ाला भी नहीं पढ़े हैं, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, तो भी घर में बात होते, मंदिर में जाते सुनते, तो सबको इतना मोटा मोटा पता है कि देह जुदा आत्म जुदा यही तत्व को सार, बाकी जो कछु और है। अब मैं तो ये कह रहा हूँ कि सिर्फ इतनी सी बात को जो हमें जन्मजात पता है अमृतचंद्राचार्य तर्क और युक्ति से इस तरह सिद्ध कर रहे हैं, समझ गया। हम कहते हैं हमारे लिए कोई रहस्य का निकला, रहस्य का निकला, तो अब वो उनने कहा वो अस्तित्व है, वो द्रव्य गुण पर्यायमय है, वो उत्पाद व ध्रुवमय है। अब द्रव्य गुण पर्याय समझाएं, उत्पाद व ध्रुव भी समझाएं, हर एक के अस्तित्व में उसको घटित करें। इनने किया ना कि हमारे में वो चेतनत्वमय द्रव्य है, चेतनत्व गुण है और चेतना ही पर्याय है, मैंने हमारे द्रव्य गुण पर्याय सब चेतन चेतन और शरीर के द्रव्य गुण पर्याय सब अचेतन अचेतन। आज बता रहे थे ना आपको संजीव जी कि सब इनमें अंतर क्या है ये जानो आप। तो अभी देह और आत्मा में भेद विज्ञान करना है ना, तो अंतर तो जानना पड़ेगा ना, तो अंतर कैसे जाने। तो देखो द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व ध्रुव, ये तीनों तीनों चीजें उनकी जीव की चेतनामय है और पुद्गल की अचेतनामय है, ये अंतर है ना सबसे बड़ा। अब ये एक क्षेत्र आप गाए हैं, हम निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ये जो जानने का काम है वो जीव का हो रहा है और ये बिल्कुल अजीब का काम तो बिल्कुल जड़ रूप है। तो हम ऐसा आंखें देखती हैं, हमारी कान सुनते हैं, ये सब जानने देखने का काम हमने पुद्गल को ही सौंप दिया। सर इसको हमने मान लिया कि आंखें देखती हैं कान सुनते हैं, तो फिर हमने उसे चेतन मान लिया, तो चेतन में अपनापन तो हमारा है ही, हम उसमें अपनापन हो जाता है। तो इस तरह से उन्होंने विभाग की बात बता दी। इस गाथा और उसकी टीका में यह बात अत्यंत स्पष्ट रूप से कही गई है कि प्रत्येक वस्तु अपने स्वरूपास्तित्व प्रमाण ही है। ये प्रमाण माने जितना स्वरूपास्तित्व है उतनी ही है नाप, नाप के अर्थ में है। प्रत्येक वस्तु में पाए जाने वाले द्रव्य गुण पर्याय और उत्पाद व द्रव्य ही उसका स्वरूपास्तित्व है। हमारा अस्तित्व काय में है, हम काय मानते हैं, मैं अध्यक्ष हूँ, मैं मंत्री हूँ, मैं ये हूँ, तो हमारा अस्तित्व है। नहीं तो हमारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, समाज हमें तो कुछ गिनती ही नहीं है, हैं क्या। हम भी इस मंदिर में आते हैं, इस मंदिर में कभी गुल्लक में पैसा भी डालते हैं, 30 साल से हम पूजा कर रहे हैं, और हमारा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है, क्या फिर तुम क्यों नहीं है, तुमको ऐसा क्यों लगता है तुम्हारा अस्तित्व तो नहीं है, हमारी जरा सी बात नहीं चलती है। हम कहते हैं कि हम तो घी के दीपक से आरती करेंगे और नहीं करने देते हैं, हमारा कुछ नहीं है, लेकिन तुम 30 साल से पूजा कर रहे ना, भगवान के दर्शन कर रहे ना, तो उसमें तुम्हें अपना अस्तित्व तो नहीं दिखता। एक तरह सच्ची घटना है, बहुत बड़े आदमी थे, उनने मेरे से कहा हमें ट्रस्टी बनाओ, नहीं तो हम स्मारक में आएंगे कैसे, लाभ कैसे देंगे।
समझे ना, थोड़ा चुप रहा, लेकिन ज्यादा कहने लग गए तो मैंने कहा आने के लिए ट्रस्टी बनना कहाँ जरूरी है, लाभ लेने के लिए ट्रस्टी बनना कहाँ जरूरी है? मैंने आने के लिए और उन्हें लाभ लेने के लिए भी ट्रस्टी बनना था, क्या हमारा तो कुछ अस्तित्व ही नहीं है, है? तो आपका आपको कुछ वहां मजदूरी करने की परमिशन दी जाए तो आपका अस्तित्व दिखेगा, और आप यदि प्रवचन लाभ लो पूरा, पढ़ो सुनो देखो सब सब करो, तो पूरा जो असली लाभ है वो तो आप पूरी छूट है हर एक को, वो पूरी तरह से ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं, बोलिए उसे विकल्प की कहाँ देखो। एक ट्रस्टी बन बन के आने वाले ने कितना लाभ लिया, और मैं देखता हूँ ना, यदि अपने मद्रास वाले भाई हैं, क्या नाम है तुम्हारा, हुकुमचंद, हाँ मेरा नाम है हुकुमचंद, नहीं नाम है ये, मैंने देख रहा हूँ करीब 50 साल से, जब से आए एक दिन भी नहीं छोड़ते हैं, बराबर हर प्रवचन में मौजूद रहते हैं, और बाकी नहीं हुए प्रवचन तो भी आ जाते हैं, तो यहाँ स्वाध्याय करते रहते हैं, तो इनका अस्तित्व नहीं, असली अस्तित्व तो इनके ही है, क्यों पूरा लाभ तो तुम्हें नहीं उठाया ना, शायद ही कोई दूसरा आदमी होगा है जिसने इतना लाभ उठाया होगा, हैं? संस्था का काम तो लाभ देना ही लेना ही है ना, हैं? तो कहते हमको हमारा अस्तित्व कैसे है, उत्पाद वे ध्रुव और देवगुण पर जाए, तो आपके द्रव्यगुण पर जाए आप में है ना, आपके उत्पाद वे ध्रुव आप में है, और शरीर का द्रव्यगुण पर जाए शरीर में है, और शरीर का उत्पाद शरीर में है, तो दोनों टू यूनिट हो गए ना, दो चीजें परिपूर्ण है ना अपने में, पुद्गल भी अपने में पूरी तरह पुद्गल है, और तुम भी जीव भी अपने में है, दोनों को एक करके दो अस्तित्व में से एक अस्तित्व का नाश करना पड़ेगा ना, या तो हमारा अस्तित्व चेतन रूप रहेगा या अचेतन रूप रहेगा, दोनों हम करेंगे तो ना चेतन रहेंगे ना अचेतन रहेंगे। मनुष्य आदि असमान जाति द्रव पर्याय में जीव का स्वरूपास्तित्व अलग है और देहादि का स्वरूपास्तित्व अलग है। देखो अब क्या बात कर रहे हैं, मनुष्य आदि असमान जाति द्रव पर्याय में, ये अब इसकी बात कर रहे हैं, मनुष्य को ये खड़ा किया है ना, तो कहते इसमें दो द्रव्यों के स्वरूपास्तित्व हैं, किसके, अचेतन द्रव्य शरीर और चेतन द्रव्य आत्मा, और दोनों के बिल्कुल सेपरेट अलग अलग हैं। अब दो एक बन के एक अस्तित्व क्यों खो रहे, तुम्हें दो चीजें मिल गई ना, दो बंगले मिल रहे तो एक बंगला क्यों कर रहे हैं इसका, हम तो एक ही हैं, हम तो एक एक ही कैसे हैं, है क्योंकि मनुष्य आदि असमान जाति द्रव पर्याय में जीव का स्वरूपास्तित्व अलग है और देहादि का स्वरूपास्तित्व अलग है, यह जानना ही भेद विज्ञान है, और यह भेद विज्ञान निरंतर भाने योग्य है, क्योंकि देह में जो अनादिकालीन एकत्व बुद्धि है वह इसके बिना टूटने वाली नहीं है। ये क्या कह रहे हैं कि साहब एक आदमी ने गलत रट लिया, जो चारण है ना, आज तो सुबह लड़के बोल रहे थे यहाँ पर, एक लड़का की आवाज तो बहुत बढ़िया आती थी और दूसरे की बिल्कुल नहीं आती थी, क्या देखा तुमने, क्या क्या था, कौन थे दोनों लड़के, क्यों नहीं आती थी दूसरे की, है? आप लोग भी सुनते हो ना, आपने भी सुना होगा शांति जी, उसका इंतजाम किया, हम एक गाथा सुन लें और एक गाथा भी नहीं सुनी रह जाए, हम तो आठ दो पांच सुनते हैं ना पूरी, है? क्या था, क्या कारण था, क्यों नहीं उसकी आवाज आ रही थी, स्पीकर उसे नहीं था उसके पास, तो बोलता नहीं था, है? ऐसा लगता था जैसे बैलगाड़ी में दो बैल जोत दो तो एक तो होता है तेज और एक होता है बिल्कुल मरियल गधा जैसा, है? तो वो पीछे पीछे ढोते चलता, मुझे बहुत डिस्टर्बेंस होता है क्योंकि मैं पूरा उसका
अर्थ भाव सहज सुनता हूँ, तुम्हारे इसके लिए नहीं कि तुमने गलती की तुम्हारा नुकसान हुआ इसलिए मैं कहता हूँ, लेकिन मेरे को मैं सुनता हूँ ना उसे, अपने लाभ के लिए सुनता हूँ। वो चीज़ रिपीटिशन में आ जाती है ना, तो मुझे बहुत कुछ ख्याल में भी रहती है, तो एक गाथा गायब है एक गाथा बोलते थे, एक गाथा गायब एक गाथा बोलते थे। यानी ऐसी स्थिति यदि है तो पहले से उसे चेक करके कहना जैन कुमार, उन दो को नहीं खड़ा करना चाहिए, उनको ही खड़ा करो, ये समझ लो एक आदमी सुनता है, समझ रहे ना। यहाँ पर तुम मालूम है खाली रहता है हॉल में, जो मालूम है यहाँ कोई नहीं होगा, है ना, क्योंकि मैं कभी कभी इधर आ करके भी सुनता हूँ, फिर घर से भी सुनता हूँ। अब इधर तो अब पहले तुम बाहर आवाज़ आती थी तो मुझे सुविधा रहती थी घूमने में ही सुनने में, आवाज़ ना मालूम क्यों बंद कर दिया तुमने, उसे बोलना वो बाहर चला कोई नहीं सुने, चिंता नहीं करना, तुम्हारा उसमें कुछ ज़्यादा खर्चा हो जाता है, क्या तकलीफ है, ज़्यादा भी आवाज़ दीवालें सुनती रहें तो तुम्हारे बाप का क्या बिगड़ता है। लेकिन जब मैं आ जाऊँगा तब तो मैं सुन लूँगा ना, कोई नहीं सुनता हमारा, दिमाग में से निकाल दो। ये आचार्यों की बात है, ये जो पाठ अपन करते हैं और सुनते हैं वो प्योर आचार्यों की बात है। आप लोग तो पंडित हो तो इसमें देखते हो ना, तो संस्कृत से हिंदी से मिलान करके देखते ना, तो जैसा अपन गद्य नीचे वही बात होती है ना गद्य में, तो ऐसी पद्य में भी वही बात है ना, वो सबकी समझ में सरलता से आ जाए इसके लिए अपन करते। मान लो वहाँ छाबड़ा जी की मैसेज सुन रही होंगी, तो उनकी तो तुम सुनने वाले हो नहीं हैं, विद्वान जो यहाँ से सुन लेंगे मैं खत्म, और क्या करेंगे। तो इतना विवेक रखना चाहिए, और उस लड़के को जो लड़का वो बोल नहीं पाता है उसे बोलना सीखना चाहिए, क्योंकि पंडित बन जाए और बोलना नहीं आए तो कैसे पंडित। अपनी तो समाज में पंडित को पहले बोलना आना चाहिए, कि जितने ये ऑफिसर हैं ना IAS ऑफिसर बन गए वहाँ जाके बैठ जाते हैं अपने ऑफिसों में, वो तो दो मिनट नहीं बोल सकते, वे दो वाक्य नहीं बोल सकते, उनसे कहेंगे आप स्वागत भाषण दो खुद लिख लो तो नहीं बोल सकते। और हैं बड़े बड़े IAS ऑफिसर और ये सारा कहते कलेक्टर साहब हैं, तो सारा देश उन्हीं जिला उन्हीं की आज्ञा में चल रहा है, उन्हें कुछ नहीं आता, बोलते नहीं सकते बिल्कुल नहीं। हैं साहब अब आप ही मेरी तरफ से दो शब्द बोल दो, कहते कि नहीं कहते हैं, पर तुम्हारे तो ऐसा नहीं है, अपने बोलने वालों के घूंड़े भी बिकते हैं और नहीं बोलने वाले के घी की मिठाई भी नहीं बिकती है, तो बोलना तो आना ही चाहिए। अगर शांति जी यदि वो इस साल बोलना नहीं सीख पावे ना वो लड़का, तो अगली साल उसे नहीं रखना है? हमें बोलने वाला पंडित चाहिए, मूक पंडित नहीं चाहिए जो एक श्लोक नहीं ढंग से पढ़ सके। ये हिंदी का छंद है, उसको भी शुद्ध नहीं पढ़ सके तो क्या कहूँगा, कैसा पंडित। हाँ अपने कहाँ चल रहे थे, वो हो गया ना। अब चार प्राण रूप शरीर अन्न है और मैं अन्न हूँ, विगत गाथा में यह स्पष्ट करने के बाद, देखो अपने इतना पढ़ा दो दिन तक, अमृतचंद की टीका पढ़ी सब पढ़ी, और उसे आधी लाइन में मैंने बता लिख दिया, इसमें संक्षेप में भी लिख सके और विस्तार से भी। देखो चार प्राण रूप शरीर अन्न है और मैं अन्न हूँ, बस इतनी बात समझाइए इतने में, विगत गाथा में यह स्पष्ट करने के उपरांत। पिछली गाथा में सिर्फ इतनी बात बताई है, कितनी, कि देह अन्न है और मैं अन्न हूं। एक ऐसा भी प्रश्न बना बना के प्रश्न पत्र में दिया करे कि इस बात को इसका इस गाथा का अर्थ एक लाइन में लिखो, ऐसा इस गाथा का अर्थ दो पेज में लिखो, क्या
सब तरह का होना चाहिए ना। पूजा तीन प्रकार की, छोटी बड़ी मझोल, और जब जैसा मौका लगे तब देसीली खोल। क्यों? आपको एक मिनट का भी मौका मिले तो भी आप उस गाथा को समझा दें, और आपको एक घंटा मिले तो आपको मैटर कम नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ की गप में ठोकना, उसी में है इतना माल, उसी से संबंधित चीजों को स्पष्ट आप कर सकते हैं। विगत गाथा में यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इन गाथाओं में यह बताते हैं कि उक्त शरीर के समागम का मूल कारण क्या है। कहते दोनों चीजें अलग अलग हैं, ये स्पष्ट हो गया, और बिल्कुल दोनों का स्वरूप अस्तित्व तो अलग है, तो ये मिल कैसे गए, इसका मूल कारण क्या है, तो उसकी अब मीमांसा करेंगे, उस पर विचार करेंगे कि इसके मिलने का कारण क्या है। वो अगली गाथा में, अगली गाथाओं में आएगा।